राम मंदिर निर्माण का 135 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। बुधवार 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर जन्मभूमि का पूजन करेंगे और राम मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान देश के कई प्रमुख नेता और संत वहां मौजूद रहेंगे। इस मंदिर निर्माण के लिए लड़ाई लगभग 134 सालों तक चली और आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एस ए बोबोडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ ने कहा कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। इसके लिए सरकार को एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा गया तथा विवादित जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को देने के लिए कहा गया। इसी के साथ अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन से करीब दोगुना है। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। इन 134 सालों तक चले आंदोलन में कई मोड़ आए और मंदिर निर्माण के लिए हर घटना इतिहास का हिस्सा बनती गई। अगर बात करें मंदिर निर्माण की तो 1526-27 तक बाबर अवध तक पहुंच गया और 1528-29 में उसके सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण हुआ था, मुगल सम्राट बाबर के नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया गया। पहला विवाद, मंदिर निर्माण के लगभग 335 वर्षों के बाद पहली बार 1853 में इस स्थान के आसपास दंगे हुए और 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना की अनुमति दी। दूसरा मामला, लगभग 96 वर्षों के बाद एक बार फिर नया मामला सामने आया और 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद परिसर में पाई गईं। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये मूर्तियां प्रकट हुई हैं तथा मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। इस बात पर दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। इसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। कालांतर में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। फिर 1986 में फैजाबाद जनपद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला हटाने का आदेश दे दिया और मुस्लिमों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। विश्व हिंदू परिषद ने 1988 के बाद 1989 में राम मंदिर निर्माण के अभियान को तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 1990 में बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कार सेवकों के साथ मिलकर गिरा दिया। फिर देश भर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर वर्ष 2001 में तनाव फिर बढ़ गया और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने के संकल्प को पुनः दोहराया। फिर जनवरी 2002 में अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया। फरवरी में उत्तर प्रदेश चुनाव में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल नहीं किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण की घोषणा कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और उसी दौरान गोधरा में 58 कार सेवकों की मौत हुई, जिसने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया। मार्च 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में जो स्थिति है वह बरकरार रहेगी और किसी को भी विवादित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया जाएगा। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच मंदिर परिसर के बाहर शिलाएं सौंपने को लेकर समझौता भी हुआ। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष व राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता महंत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को शिलाएं सौंपी। इसी दौरान हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से विवादित जमीन पर मंदिर के होने या न होने के मुद्दे की जांच करने को कहा,
तथा अप्रैल 2002 में 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई इस पर थी कि उस जगह का संबंध किससे है। जून 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई। जनवरी 2003 में ASI द्वारा रेडियो तरंगों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे कोई प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं, लेकिन इस जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तथा मार्च में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया। फिर अप्रैल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की, जिसके बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उस खुदाई में मंदिर से मिलते जुलते अवशेष पाए गए हैं। इधर मई 2003 में CBI ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। जून 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और कहा कि उन्हें आशा है कि जुलाई तक मामले का हल निकल जाएगा, लेकिन वह भी नाकाम रहे। अगस्त 2003 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने विहिप के राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाने के अनुरोध को ठुकरा दिया। अप्रैल 2004 में आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर के लिए पूजा अर्चना की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जनवरी 2005 में लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया और जुलाई 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भाषण देने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए, जहां उन पर आरोप तय किए गए। दिसंबर 1992 को गठित लिब्राहन आयोग ने 17 सालों के बाद 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 4 भागों में 700 पन्नों में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। जुलाई 2010 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूरी हो गई। साथ ही सितंबर में अदालत ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने की घोषणा 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया, जिसमें उन्होंने विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया तथा न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि को हिंदू पक्षों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहां से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुस्लिम प्रार्थना करते रहे हैं, इसलिए विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने 7 वर्ष बाद कहा कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई हर दिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 वर्ष बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5 दिसंबर 2017 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। 5 फरवरी 2018 से इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की गई। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर ने 9 नवम्बर 2019 को फैसला सुना दिया।